सूरजपुर से लगे ग्राम चंद्रपुर में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब NH-43 पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दरअसल मध्य प्रदेश के कटनी से महुआ लूटकर ट्रक MP-65H-1198 सूरजपुर की ओर से आ रही थी, तभी कोरिया जिला के ग्राम रनई में दो बाइक सवारों को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। उसी दौरान रास्ते में अचानक किसी कारण से ट्रक के टायर में आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी ट्रक पर फैल गई। आग बढ़ता देख ड्राइवर और क्लीनर सड़क के किनारे जलती ट्रक छोड़कर भाग निकले। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बहरहाल पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से पहले टल गया। जानकारी मिलने पर स्वयं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जानकारी मिली है कि पटना थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट किया था इस गाड़ी ने मोटरसाइकिल चालक को, और मोटर एक्सीडेंट करने के बाद ये इधर सूरजपुर की तरफ भाग रहा था, तो इसके जो चक्का है उसमें किसी कारण से आग लग गई और जिसके कारण से ये इधर ड्राइवर खेत में उतार के यहाँ से भाग गया। इसमें आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड को बुला के तुरंत आग को बुझवा दिया गया है। ड्राइवर और खलासी तो तुरंत भाग गए थे, और इसके जो मालिक है, MP-65 की गाड़ी है, ये मध्य प्रदेश की गाड़ी है, उसके मालिक को भी खबर कर दी गई है। इसमें गाड़ी में महुआ लोड है और बाकी पटना थाने को भी खबर कर दी गई है, उनके भी स्टाफ आके कार्रवाई करेंगे।